हाई एवरीवान आई एम मणिका सांभोड़ क्या आपको भी लगता है कि इमोशनल होना एक वीकनेस है वेल फ्रेंड्स दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू प्लीज़ डू वॉच इट टिल दी एंड आपसे मैं बात करने वाली हूँ आपके इमोशन्स के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम हम इमोशनल हो जाते हैं कई बार इतने ज़्यादा कि हम अपने डिसीजन से ही सारे इमोशनल होकर ले लेते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली एब्सल्यूटली फाइन टू बी इमोशनल अगर हम इमोशनल हो रहे हैं तो हम नॉर्मल हैं इट्स वेरी नेचुरल टू बी इमोशनल बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद इमोशंस। हमारे अंदर तो इमोशंस हैं ना तो अगर हमने वो हाइड किए या अगर हम इमोशनल नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी हम कई बार इमोशन लेस अगर हो गए इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि हमें किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज़ से तो हम पूरी तरह से लिव भी नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से लाइफ को इन्जॉय भी नहीं कर पाएंगे इट्स नॉर्मल टू हैव इमोशंस एंड टू एक्सप्रेस आर इमोशंस बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाएँ कई बार हमें ही नहीं समझ में आ रहा होता है हमारा क्या इमोशन है और वो इतना ओवरफ्लो कर जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेलीविजन वॉच कर रहे हो लेट्स से यू आर वॉचिंग मूवी अब उस मूवी में कोई सीन आता है और आप इतने ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो कि आप को कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाता यू आर जस्ट कंटिन्यूसली क्राइंग 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 अब एक दिन हुआ दो दिन हुआ आप वही सोच सोच के अगर बार बार उस इमोशन को रिपीट करोगे देन पीपल माइट जस्ट स्टार्ट कॉलिंग यू एज एन इमोशनल फूल हमें कई बार लोग इमोशनल फूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ फुल स्टॉप लगाना है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस इन योर माइंड एंड योर इमोशंस आपको एक वो प्रैक्टिकलिटी भी लानी है लाइफ में और नॉर्मली इमोशनल होना भी इट्स जस्ट एब्सोल्यूटली फाइन जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो लेट्स से यू आर वेरी हैप्पी अब आपका इमोशन खुशी का है अब हैप्पीनेस में क्या होता है हम ऐसे डिसीजनस ले लेते हैं हमें लगता है आज तो बड़े खुश हैं लेटिल जस्ट पार्टी अब आपने अपनी सारी सेविंग्स लेट्स से आपने स्पेंड कर दी कि आप इतने ज़्यादा खुश थे आपने एक बिग पार्टी थ्रो कर दी एंड नाउ यू आर ऑल ब्रोक तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है तो व्हाट इज इज कि आप जब भी ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो देन डोंट टेक एनी डिसीजन एट दैट टाइम आपको एक पॉज देना चाहिए यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इमोशन ई क्यू लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए यू नो ई क्यू स्टैंड फॉर इमोशनल क्वेश्चन हमारा एक आई क्यू होता है आई क्यू इज़ समथिंग जो एक सर्टन एज तक ही हमारा ग्रो होता है आफ्टर टीन एज उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है और आई क्यू अगर आपका लो भी है इट्स जस्ट एब्सल्यूटली फाइन बट हमारा ई क्यू लाइफ में हमेशा ग्रो कर सकता है इसमें कभी भी कोई एज लिमिट से रिलेशन नहीं होता तो हमें अपने ई को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है हमें सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए हमें अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि हमारे को कौन सा इमोशन आ रहा है और क्यों आ रहा है और फिर उसको एक राइट right डायरेक्शन में लेके जाना है हमें अगर हमें टू मच ऑफ़ एंगर आता है या टू मच ऑफ़ हर्ट फील हो जाते हैं हम तो हमें उस पर एक कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है हमें हमेशा एक बैलेंस्ड वे में अपने इमोशंस को लीड करना चाहिए ताकि ये भी ना हो कि हमारे ओवर इमोशनल सेल्फ की वजह से लोग हमारे इमोशंस को यूज़ करें बिकॉज दे नो दैट वी आर सो इमोशनल तो उसे अपनी वीकनेस मत समझो बट मेक श्योर दैट यू आर इमोशनली साउंड यू आर इमोशनली स्ट्रांग आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है उसके लिए आपको अपने इमोशंस पे वर्क करना पड़ेगा एंड डोंट टेक एनी बिग डिसीजन इन लाइफ वेन यू आर टू इमोशनल बट एट द सेम टाइम यूज योर इमोशंस एंड टेक डिजन्स वेरी वाइजली अपने इमोशनल एस्पेक्ट एंड अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों को देख के आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए एंड आई एम श्योर इफ़ यूल एक्चुअली वर्क ऑन योर इमोशन्स तो आपको कभी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी यू विल ऑलवेज फील वेरी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी सो वेल फ्रेंड्स वर्क ऑन योर इमोशन्स विल सी यू सोन एक और वीडियो के साथ आपके साथ मैं आऊँगी आपको कोई भी और क्वेरी है इफ़ यू वॉन्ट टू एक्चुअली वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी टॉपिक ऑफ़ योर चॉइस यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो आई विल रीड ऑल योर कॉमेंट्स एंड विल गेट बैक टू यू बाय बाय हैव अ लवली डे